अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह के फजल करम से। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं यहाँ पे अंडा बनाने वाली हूँ, अंडा तलने वाली हूँ, जिसे मैंने यहाँ पे ले लिया है। थोड़ी सी कैबेज ले ली हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी कैबेज ले ली हूँ, थोड़ा सा ये पालक ले ली हूँ, थोड़ी सी आधी डली प्याज की ले ली हूँ, कोथमीर, हरी मिर्च, यहाँ पे देखिए हरी मिर्च ले ली हूँ, दो हरी मिर्च है ये बारीक कटी हुई, और बारीक कटी हुई कोथमीर है। चलिए आपको अभी बनाने का तरीका बताती हूँ मैं। यहाँ पे बिग साइज़ का मैंने यहाँ पे बॉल ले लिया है, एक खुला खुला कटोरा ले ली हूँ। इसमें डाल लेंगे कैबेज, आपके हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर ले सकते। यहाँ पालक है थोड़ी सी आधा कटा, और यहाँ पे आधी डली प्याज की है ये, यहाँ कोथमीर है ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च है। आप इसमें भी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग या कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसमें भी। चलिए यहाँ पे ले ली हूँ मैं हल्दी 1/4 चम्मच, आधा चम्मच लाल मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक, अदरक लहसुन थोड़ा सा डालेंगे इसमें, यहाँ हल्दी थोड़ी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिर्ची अच्छी डाल लेंगे इसमें, काली मिर्ची भी अगर है तो आपके पास डाल सकते हैं, नमक डाल लेंगे इसमें। अब इसको पूरे अच्छी तरह से पहले मिला लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको हाथ से मिलाएंगे, हाथ से मिलाने से पूरा ये अच्छी तरह से मिल जाता। यहाँ पे ले ली हूँ मैं 3 अंडे, चलिए अब इसको फोड़ के अंडे डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें डाल लेंगे 3 अंडे। अब इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। आप इसको नाश्ते में भी बना सकते, रोटी के साथ आप इसको ऐसे भी खा सकते, बहुत मज़े का होता। यहाँ पे देखिए मैं अच्छी तरह से इसको फेंट ली, चलिए अब इसको तल ले। यहाँ पे मैं ग्रिल पैन ले ली हूँ, अब इसमें डाल लेंगे, पूरा डाल लेंगे इसमें तेल। यहाँ पे देखिए पूरा इक्वल कर लेंगे इसको, और इसको अच्छा पकने देंगे। यहाँ पे देखिए नीचे तो ये अच्छी तरह से हो गया, अब इसको एक थाली रख के पलटा लेंगे इसको। यहाँ पे देखिए मैं इसको थाली रख के पलटा ली हूँ। चलिए अब ये दो तरफ से भी अच्छी तरह से पक गया, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा होता, आप लोग नाश्ते में भी बना ले सकते, आपका दिल अगर खाना दिल हो रहा तो चाय के साथ भी ये अच्छा रहता। यहाँ पे देखिए ये अच्छी तरह से नीचे भी अच्छा पक गया। देखिए आप लोग को पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा लिए, ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक पहुंचे। आप लोग का वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके दोस्त अहबाब में मेरी वीडियो को शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे को सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। यहाँ पे देखिए एग फ्राई है, बन के तैयार है। आप लोग को पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा लिए, ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक पहुँचे। देखिए देखने में भी बहुत लजीज दिख रहा, और खाने में भी बहुत मज़े का है। आप लोग भी देखिए बना के, उसके बाद कमेंट करके बोलिए कैसा लगा मेरा बनाना, मेरा तरीक़े से। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब की कमी है। मैं कोई ऐसी वैसी अमीरजादी नहीं हूँ, मैं ऐसे ही घर में बैठकर बना ले रही हूँ। आप लोग को अगर पसंद आया मेरा कुकिंग करना, तो आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर एक नई रेसिपी लेके मिलूँगी इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल। अल्लाह हाफिज़।